ऐसा कहकर सर्वदेवेश्वर भगवान रुद्र श्री हरि के अंग का स्पर्श किया और उनके देखते देखते ही वही अंतर ध्यान हो गए। भगवान विष्णु भी शंकर जी के वचन से उस शुभ चक्र को पा जाने से मन ही मन बड़े प्रसन्न हुए। फिर वे प्रतिदिन शंभु के ध्यान पूर्वक इस स्त्रोत्र का पाठ करने लगे। उन्होंने अपने भक्तों को भी इसका उपदेश दिया, तुम्हारे प्रश्न के अनुसार मैंने यह प्रसंग सुनाया है जो श्रोताओं के पाप को हर लेने वाला है, अब और क्या सुनना चाहते। अध्याय 35 व 36 भगवान शिव को संतुष्ट करने वाले व्रतों का वर्णन, शिवरात्रि व्रत की विधि एवं महिमा का कथन। तदनंतर ऋषियों के पूछने पर महर्षि सूत जी ने भगवान शिव की आराधना के द्वारा उत्तम एवं मनोवांछित फल प्राप्त करने वाले बहुत से महान स्त्री पुरुषों के नाम बताए। इसके बाद ऋषियों ने फिर पूछा, व्यास शिष्य, किस व्रत से संतुष्ट होकर भगवान शिव उत्तम सुख प्रदान करते हैं? जिस व्रत के अनुष्ठान से भक्त जनों को भोग और मोक्ष की प्राप्ति हो सके, उसका आप विशेष रूप से वर्णन कीजिए। महर्षि सूत जी ने कहा, महर्षियों, तुमने जो कुछ पूछा है वही बात किसी समय श्री ब्रह्मा, भगवान विष्णु और माता पार्वती जी ने भगवान शिव से पूछी थी। इसके उत्तर में भगवान शंकर ने जो कुछ कहा वह मैं तुम लोगों को बता रहा हूँ। भगवान शिव बोले, मेरे बहुत से व्रत हैं जो भोग और मोक्ष प्रदान करने वाले हैं। उसके मुख्य 10 व्रत हैं जिन्हें जबाल श्रुति के विद्वान 10 शैश्व व्रत कहते हैं। द्विजों को सदा यत्न पूर्वक इन व्रतों का पालन करना चाहिए। प्रत्येक अष्टमी को केवल रात में ही भोजन करें, विशेषतः कृष्ण पक्ष की अष्टमी को भोजन का सर्वथा त्याग कर दें। शुक्ल पक्ष की एकादशी को भी भोजन छोड़ दें, किंतु कृष्ण पक्ष की एकादशी को रात में पूजन करने के पश्चात भोजन किया जा सकता है। शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी को तो रात में भोजन करना चाहिए, परंतु कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को शिव व्रतधारी पुरुषों के लिए भोजन का सर्वथा निषेध है। दोनों पक्षों में प्रत्येक सोमवार को प्रयत्न पूर्वक केवल रात में ही भोजन करना चाहिए। भगवान शिव के व्रत में तत्पर रहने वाले लोगों के लिए यह अनिवार्य नियम है। इन सभी व्रतों में व्रत की पूर्ति के लिए अपनी शक्ति के अनुसार शिव भक्त ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। द्विजों को इन सब व्रतों का नियम पूर्वक पालन करना चाहिए। जो द्विज इनका त्याग करते हैं वे चोर होते हैं। मुक्ति मार्ग में प्रवीण पुरुषों को मोक्ष की प्राप्ति कराने वाले 4 व्रत का नियम पूर्वक पालन करना चाहिए। ये व्रत इस प्रकार हैं: भगवान शिव की पूजा, रुद्र मंत्रों का जाप, शिव मंदिर में उपवास तथा काशी में मरण, ये मोक्ष के सनातन मार्ग हैं। सोमवार की अष्टमी और कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी, इन 2 तिथियों को उपवास पूर्वक व्रत रखा जाए तो वह भगवान शिव को संतुष्ट करने वाला होता है। इसमें अन्यथा विचार करने की आवश्यकता नहीं है। हरे, इन चारों में भी शिवरात्रि का व्रत ही सबसे अधिक बलवान है। इसलिए भोग और मोक्ष रूपी फल की इच्छा रखने वाले लोगों को मुख्यतः है उसी का पालन करना चाहिए। इस व्रत को छोड़कर कोई दूसरा व्रत मनुष्यों के लिए हितकर व्रत नहीं है। यह व्रत सबके लिए धर्म का उत्तम स्थान है। निष्काम अथवा सकाम भाव रखने वाले सभी मनुष्यों, वर्णों, आश्रमों, स्त्रियों, बालकों, दासों, दासियों तथा देवता आदि सभी देहधारियों के लिए यह श्रेष्ठ व्रत हितकारक बताया गया है। माघ मास के कृष्ण पक्ष में शिवरात्रि तिथि का विशेष महत्व बताया जाता है। जिस दिन आधी रात के समय तक वह तिथि विद्यमान हो उसी दिन उसे व्रत के लिए ग्रहण करना चाहिए। शिवरात्रि करोड़ों हत्याओं के पाप का नाश करने वाली है। केशव, उस दिन सवेरे से लेकर जो कार्य करना आवश्यक है उसे प्रसन्नता पूर्वक तुम्हें बता रहा हूँ, तुम ध्यान देकर सुनो। बुद्धिमान पुरुष
सवेरे उठकर बड़े आनंद के साथ स्नान आदि नित्य कर्म करे, आलस्य को पास न आने दे, फिर शिवालय में जाकर शिवलिंग का विधिवत पूजन करके मुझ शिव को नमस्कार करने के पश्चात उत्तम रीति से संकल्प करे। देवादिदेव, महादेव, नीलकंठ, आपको नमस्कार है। देव, मैं आपके शिवरात्रि व्रत का अनुष्ठान करना चाहता हूँ। देवेश्वर, आपके प्रभाव से यह व्रत बिना किसी विघ्न बाधा के पूर्ण हो और काम आदि शत्रु मुझे पीड़ा न दें, ऐसा संकल्प करके पूजन सामग्री का संग्रह करें और उत्तम स्थान में जो शास्त्र प्रसिद्ध शिवलिंग हो उसके पास रात में जाकर स्वयं उत्तम विधि विधान का संपादन करें। फिर भगवान शिव के दक्षिणा या पश्चिम भाग में सुंदर स्थान पर उसके निकट ही पूजा के लिए संचित सामग्री को रख दें। तदनंतर श्रेष्ठ पुरुष वहां फिर स्नान करें। स्नान के बाद सुंदर वस्त्र और उपवस्त्र धारण करके 3 बार आचमन करने के पश्चात पूजन आरंभ करें। जिस मंत्र के लिए जो द्रव्य नियत हो उस मंत्र को पढ़कर उसी द्रव्य के द्वारा पूजा करनी चाहिए। बिना मंत्र के महादेव जी की पूजा नहीं करनी चाहिए। गीत वाद नृत्य आदि के साथ भक्ति भाव से संपन्न हो रात्रि के प्रथम पहर में पूजन करके विद्वान पुरुष मंत्र का जाप करें। यदि मंत्रज्ञ पुरुष उस समय श्रेष्ठ पार्थिव लिंग का निर्माण करे, नित्य कर्म करने के पश्चात पार्थिव लिंग का ही पूजन करे, पहले पार्थिव बनाकर पीछे उसकी विधिवत स्थापना करे, फिर पूजन के पश्चात नाना प्रकार के स्रोत्रों द्वारा भगवान शंकर को संतुष्ट करे। बुद्धिमान पुरुष को चाहिए उस समय शिवरात्रि व्रत के महत्व का पाठ करे। श्रेष्ठ भक्त अपने व्रत की पूर्ति के लिए उस महत्व को श्रद्धा पूर्वक सुने। रात्रि के 4 प्रहरों में 4 पार्थिव लिंगों का निर्माण करके आवाहन से लेकर विसर्जन तक क्रमशः उनकी पूजा करे और बड़े उत्सव के साथ प्रसन्नता पूर्वक जागरण करे। प्रातः काल स्नान करके पुनः वहां पार्थिव भगवान शिव का ध्यान और पूजा करे। इस व्रत को पूरा करके हाथ जोड़ मस्तक झुका बारंबार नमस्कार पूर्वक भगवान शंभु से इस प्रकार प्रार्थना करे। प्रार्थना एवं विसर्जन। महादेव, आपकी आज्ञा से मैंने जो व्रत ग्रहण किया था स्वामिन, वह परम उत्तम व्रत पूर्ण हो गया, अतः अब उसका विसर्जन करता हूँ। देवेश्वर, यथाशक्ति किए गए इस व्रत से आज आप मुझ पर कृपा करके संतुष्ट हो। तत्पश्चात शिव को पुष्पांजलि समर्पित करके विधि पूर्वक दान दें, फिर भगवान शिव को नमस्कार करके व्रत संबंधी नियम का विसर्जन कर दें। अपनी शक्ति के अनुसार शिव भक्त ब्राह्मणों विशेषतः सन्यासियों को भोजन कराकर पूर्णतः संतुष्ट करके स्वयं भी उनका भोजन करें। हरे, शिवरात्रि को प्रत्येक प्रहर में श्रेष्ठ शिव भक्तों को जिस प्रकार विशेष पूजा करनी चाहिए उसे मैं बताता हूँ। प्रथम पहर में पार्थिव लिंग की स्थापना करके अनेक सुंदर उपचारों द्वारा उत्तम भक्ति भाव से पूजन करें। पहले गंध पुष्प आदि 5 द्रव्यों द्वारा सदा महादेव जी की पूजा करनी चाहिए। उस द्रव्य से संबंध रखने वाले मंत्र का उच्चारण करके पृथक पृथक वह द्रव्य समर्पित करें। इस प्रकार द्रव्य समर्पण के पश्चात भगवान शिव को जलधारा अर्पित करें। विद्वान पुरुष चढ़े हुए द्रव्य को जलधारा से ही उतारे। जलधारा के साथ साथ 108 मंत्र का जाप करके वहां निर्गुण सगुण शिव रूप का पूजन करें। गुरु से प्राप्त हुए मंत्र द्वारा भगवान शिव की पूजा करें, अन्यथा नाम मंत्र द्वारा भगवान शिव का पूजन करना चाहिए। विचित्र चंदन आखंड चावल और काले तिलों से परमात्मा शिव की पूजा करनी चाहिए। कमल और कनेर के फूल चढ़ाने चाहिए। 8 नाम मंत्रों द्वारा भगवान शंकर जी को पुष्प अर्पित करें। वे 8 नाम इस प्रकार हैं: भव, शर्व, रुद्र, पशुपति, उग्र, महान, भीम और ईशान। इनके आरंभ में श्री और अंत में चतुर्थी विभक्ति जोड़कर श्री भवाय नमः इत्यादि नाम मंत्रों द्वारा भगवान शिव का पूजन करें।
पुष्प समर्पण के पश्चात धूप दीप और